प्रणाम, मेरा नाम बियार्चना, हिंदी सीआरटी हूँ, केजीबी बेचंकी, जिला सिद्धिपेट। छात्रों, मैं आज नवीं कक्षा के मेरा जीवन पाठ को पढ़ाती हूँ। पाठ का नाम मेरा जीवन ना जीवितमु। इस पाठ कविता पाठ है। यह पाठ का कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ के द्वारा यह बताया कि हमारे जीवन में लक्ष्य की राह में सारे कष्टों या दुखों को सामने करते हुए सुखमय जीवन बिताने का प्रेरित किया गया है। इस पाठ के द्वारा प्रेरित किया गया है। छात्रों, अब मैं कविता सुनाऊंगी, ध्यान से सुनाओ। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। छात्रों, कुछ नए शब्दों के बारे में अब जानकारी देती हूँ। हंसना नव्वटम। सीखना, सीखना का अर्थ क्या है बच्चों? नेचुकोटम। रोना एड़वटम। बरसता कुरवटम। पल क्षणम। सोना बंगारम। अब इप्पुडु। पीड़ा बाधा। जीवन जीवितमु। चिंता बाधा। क्रीड़ा आटा। ये नए शब्द है। इस शब्दों का अर्थ समझाई गई है बच्चों। अब कविता के भाव के बारे में समझाती हूँ। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। कवयित्री ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ के द्वारा कहती है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं रोना नहीं जानती हूँ। मेरे जीवन में हर पल सोने सा मूल्यवान है। कवयित्री ने कहती है कि मैंने हंसना सीखा है, नेन केवलम ना यक जीवितमलो नव्वटम मात्रमे नेर्चुकुन्नानु। नाकु एड़वटम अंटे एमिटो तेलीदु। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। ना यक जीवितमलो प्रती क्षणमु कूडा बंगारमु अनेटटुवंटि, इक्कड़ बंगारम अंटे एंटी? संतोषम। సంతోషం అనేటటువంటి వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది. అంటే నా యొక్క జీవితంలో ఎల్లప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటాను. మై అబ్ తక్ జానన పాయి కైసీ హోతీ హై పీడా. హస హస జీవన్ మే కైసీ కర్తీ హై చింతా క్రీడా. కవయిత్రి కహతీ హై కి మై అబ్ తక్ పీడా కే భారే మే నహీ జాంతీ హూ. జీవన్ మే చింతా కి హస్కర్ సామ్నా करती हूँ मैं अब तक. नीन इप्पटिवर की कूड़ा बाधा गुरिंची अंटे असल नीन बाधा पड़मंटे एंटो कूड़ा नाकु इप्पटिवर की तेलीदु. ना यक जीवितान्नी कूड़ा हस हस जीवन में नव्वुतू नव्वुतू उन्नटुवंटि ना यक जीवितंलो बाधा चिंता कार्तिक है बाधा बाधा अनेदि ना यक जीवितंलो इला आडुकुंटुंदी. नीनु आ यक बाधनु कूड़ा चाला संतोषंगा ఆనందిస్తూ ఉంటాను. ఈ విధంగా పిల్లలు మన యొక్క జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా వాటిని మనము సంతోషంతో ఈ యొక్క మన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. అంతేకాని దుఃఖం వచ్చింది, కష్టాలు వచ్చాయి అని చెప్పేసి బాధపడుతూ మన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోకుండా మధ్యలో ఆగకూడదు. ఈ పాఠం ద్వారా కవయిత్రి సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ని ఇస్ ప్రకార్ హమ్కో జానకారీ దీ గీ హై. సభీ కో
धन्यवाद।